ओके, क्लास 10। आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर यू नो प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। दे हैव मेड देयर रीच इनसाइड द एवरी फैमिली ऑफ इंडिया। ओके, सो भारत में राजनीति जो है वो पार्टियों की वजह से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर गली में, हर घर में पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें ज़रूर दिखाई देंगी। तो एज़ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया देर आर टोटल पॉलिटिकल पार्टीज आर 2598। इन दिस वी हैव 8 नेशनल पार्टीज, 52 स्टेट पार्टीज एंड 2538 नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उसके हिसाब से भारत में जो टोटल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो है 2598। लगभग 2600 पार्टियां भारत में हैं, जिसमें से 8 पार्टियां हमारी राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती हैं, नेशनल दल जिसे कहते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पूरे देश में हैं, और जिसमें से 52 जो है वो स्टेट पार्टीज है, जो एक स्टेट के अंदर है, जैसे आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, लालू प्रसाद की RJD है। और इसके अलावा इसमें 2538 गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको ऑथराइज नहीं किया गया है स्टेट या नेशनल पार्टी के अंदर। तो भारत में आप सोच सकते हो 2600 पार्टियों का होना अपने आप में पार्टीज की इंपॉर्टेंस बताता है। सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पार्टी, व्हाट इज अ पार्टी एंड व्हाट रोल डज इट प्ले। पॉलिटिकल पार्टीज, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वो ग्रुप है जो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। They agree on some policies and program for the society with a view to promote the collective good. तो ये पूरे समाज का, पूरे देश का अच्छा करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम लेकर आते हैं सोसाइटी के लिए, जिनमें ये सारे के इसके मेंबर एक मत या एक आवाज़, एक सोच रखते हैं। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। कोई अपने धर्म को प्रमोट करने की बात करता है, कोई गरीबों के लिए प्रमोट करने, कोई किसी कास्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और जब एक सोच मिलकर, एक सोच वाले लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर देश के पॉलिटिकल में एंट्री करते हैं, तो वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी बनकर आते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसीज आर फार बेटर देन अदर पॉलिसीज। इसके बाद वो ये कोशिश करते हैं कि वो लोगों को समझा सके कि उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो प्रोग्राम है, वो उनके लिए अच्छे हैं। दे ट्राई टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। और अपने प्रोग्राम को, अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना, इस पे इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप ताकत अपने हाथ में लें, आप सरकार में आए, आप सरकार बनाकर अपनी पॉलिसीज को एज अ लॉ प्रोड्यूस करें। तो इस तरह से ये इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप होती है किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ होना। तो अपने अपने परिवार में आप पूछ के देखना, तुम्हारे दादा से या तुम्हारे पापा से या चाचा ताऊ से जो भी है, वो आपको बताएंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो पार्टी का ये जो जुड़ाव होता है सबके अंदर किसी ना किसी पार्टी से, इसे पार्टीजनशिप कहते हैं। अ पोलिटिकल पार्टी हैज 3 कॉम्पोनेंट, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। किसी भी पार्टी के 3 इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। वो हिस्से हैं उसका नेता, उसके मेंबर और उसके फॉलोअर। तो नेताओं के नाम पे आप सोच सकते हो पूरी पूरी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव या उसका बेटा, मुलायम सिंह यादव या उसका बेटा। तो ये जो लीडर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। इसके बाद आते हैं एक्टिव मेंबर, वो मेंबर जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, पार्टी की होर्डिंग लगाना, पार्टी के लिए प्रचार करना, पार्टी के लिए आंदोलन करना,
और इसके बाद आते हैं वो फॉलोअर्स, हमारे जैसे लोग जो घरों में बैठकर किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसके फेवर में वोट डालते हैं जब भी इलेक्शन आता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के काम क्या क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू ऑक्यूपाई पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। फॉर अचीविंग दिस अ पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। किसी भी पार्टी का सबसे टॉप टारगेट होता है सरकार में या सरकार बनाना, देश में पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना, देश को चलाना। तो इसके लिए वो क्या क्या काम करते हैं? पहला है कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में खड़ी होती हैं, कैंडिडेट उतारती हैं, फिर उसके बाद लोगों से अपील करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो सरकार बनाने लायक सीटें जीत सके। पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम सो दैट द वोटर कैन चूज फ्रॉम देम। इसके बाद वो लोगों के लिए पॉलिसीज लेकर आती हैं, उनके लिए प्रोग्राम लेकर आती हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। मेक लॉ, पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो एज यू नो कि जिस पार्टी की सरकार बनती है, जैसे बीजेपी की सरकार है, तो ज़्यादातर पूरे जो कानून बनाए जाते हैं हमारे देश की पार्लियामेंट में, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो किया जाता है वो बीजेपी पार्टी का होता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो इसी के नेताओं की यहाँ पे चलती है। तो इस वजह से पार्टियों के हाथ में ही लॉ बनाने की जिम्मेदारी हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, जैसे बीजेपी की सरकार है। प्ले ओपोजिशन, अगर वो पार्टियां हार जाती हैं तो वो फिर ओपोजिशन पार्टी बन जाती है और सरकार के प्रोग्राम के बारे में विरोध करती रहती है, लोगों को बताती रहती है कि सरकार कहाँ गलत है। जैसे अभी किसान सड़कों पे बैठे हैं, कांग्रेस और दूसरी सारी विरोधी पार्टियां जो भी बीजेपी से दूर है, अलग है, वो सभी किसानों के साथ है और कह रही है कि सरकार ने जो कानून बनाया है कृषि बिल, वो कानून किसानों के खिलाफ है। तो इस तरह से ये अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है जब वो जीत नहीं पाती है। शेप पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टियां जो है लोगों के ओपिनियन को शेप देती हैं। शेप कैसे? जैसे अभी मैंने कहा था किसान जो सड़कों पर आए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल उन पार्टियों का है जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं। तो वो किसानों को कह रही है कि आपके लिए ये कानून नहीं है, आपके लिए कानून गलत है, आपका नुकसान होगा इसमें। तो इस तरह से एक शेप क्रिएट की जाती है लोगों के दिलों में, दिमाग में, कि उनको क्या चाहिए, क्या उनके लिए होना चाहिए। लास्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही लोग सरकार से जुड़ पाते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहोगे कि आप किसी ऑफिसर से जाके पूछो, किसी ऑफिसर के पास जाके ये जानो कि आपका काम कैसे होगा, कब होगा, तो वो ऑफिसर आपको घुसने भी नहीं देगा। लेकिन वो ऑफिसर जिसके नीचे काम कर रहा है, वो MLA या MP या वो मिनिस्टर, वो जनता की आवाज़ जरूर सुनेगा। तो जैसे जनता दरबार लगता है हर एक इलाके में, वहाँ पे नेता अपने जनता की फरियाद या जनता की समस्याओं को सुनते हैं और फिर अपने नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनको ऑर्डर पास करके उनके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही पॉसिबल है कि लोग सरकार से जुड़ पाते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप सरकार के कामों के बारे में या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को बता सके। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अब आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के काम है ये, और हालांकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए। ऐसा क्यों है? इफ देर आर नो पॉलिटिकल पार्टी देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। अ पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाइवर्स पीपल ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट बिगर इशू कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक बंदा अगर इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़े तो पूरा जो हमारा सरकार है, पूरी जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल केओस। केओस मतलब कोई सिस्टम ही नहीं होगा। जैसे आपकी क्लास का एक मॉनिटर होता है जो आपकी क्लास की बातें प्रिंसिपल के सामने रखता है,
तो ऐसे ही पार्टीज भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर पार्टी नहीं होगी तो हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने अपने एरिया के बारे में सोचेगा, कोई भी देश की भलाई की बात नहीं करेगा। तो इस तरह से एक कॉमन थिंकिंग के लिए, एक कॉमन जो पब्लिक ओपिनियन है उसको बनाने के लिए पार्टी का होना बहुत जरूरी है। द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारा जो डेमोक्रेसी कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 1। तो आपने देख लिया होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, यहाँ पर जान लिया होगा क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज।